मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है और इससे पहले नई पेंशन स्कीम में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो 23 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। तो सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। यूपीएस के लिए 25 साल सेवा जरूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस अब लागू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बड़ा ऐलान किया। तो केंद्र सरकार से यूपीएस को अब मंजूरी मिल गई है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी बड़ा तोहफा इसे माना जा रहा है, फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 नई पेंशन स्कीम इससे लागू मानी जाएगी। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारियां भी दे रहे हैं। 25 साल नौकरी करने वालों को पूरा लाभ मिलेगा इसका। इसके अलावा आखिरी 12 महीनों की बेसिक का 50% पेंशन, 10 साल नौकरी करने वालों को 10,000 का लाभ मिलेगा, 60% फैमिली पेंशन देने का ऐलान किया गया है। परिवार को आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। और उधर यूपीएस को लेकर सीएम योगी का सोशल साइट एक्स पर पोस्ट, यूपीएस को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार। तो सोशल साइट एक्स पर मुख्यमंत्री के जरिए ये पोस्ट किया गया है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया गया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया था सोशल साइट एक्स पर, और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया है, यूपीएस को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है, ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है, कहा है कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।